Hello guys, I am Abhinandan Tayal and I welcome you all on our channel DDA Digital Dehradun. ठीक है, और हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं करंट अफेयर्स, और हमारा सेट का नंबर है सेट नंबर 11. तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट अक्टूबर अनदर सेट्स लाइक 10 और 9. तो इस बार ही आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है. चलो आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर सेशन को अपने पहले क्वेश्चन से. तो पहला क्वेश्चन है कि विच कंपनी हैज इनिशिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल. ध्यान देने वाली बात क्या है, रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल. तो देखो ये सारी पेट्रोलियम प्रोडक्शन कंपनीज हैं, लाइक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस एनर्जी, और यहाँ पर ये क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. तो ये सारी की सारी ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपनीज हैं. ये कह रहा है कि कोई रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल. तो जो मार्केट में आपको पेट्रोल एंड डीजल मिलता है ना, वो एक नॉर्मल पेट्रोल एंड डीजल होता है. एक पेट्रोल डीजल क्या होता है, एक स्पेशल होता है, जिसको आप बोलते हो रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल. जो ये रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल होता है ना, ये कौन सा वाला पेट्रोल एंड डीजल होता है, थोड़ा स्पेशलाइज्ड होता है. स्पेशलाइज क्यों होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल रिसर्च होती है, तो ऑटोमोबाइल रिसर्च पे कुछ स्पेशलाइज पेट्रोल एंड डीजल यूज होता है. पहले क्या होता था, पहले इंडिया इसको भी इम्पोर्ट करता था. मतलब कि अगर मैं ऑटोमोबाइल, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या तो मैं ऑटोमोबाइल को क्या करता हूँ, एक रेट करता हूँ, या मैं खुद एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये रेफरेंस पेट्रोल डीजल मिले, जिससे मैं चेक कर पाऊँ अपनी कार्स को. बट ये मेरे को पहले इम्पोर्ट करनी पड़ती थी, मोस्टली वी इम्पोर्टेड इट फ्रॉम द अमेरिका. बट अब क्या है, अब हमने ये रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है, और इंडिया अभी कुछ ही कम कंट्रीज़ के ग्रुप में आ गया है, एलीट कंट्रीज़ में, जो ये खुद करता है. तो ये हमारे लिए बड़ी बात है. और इंडिया में ये शुरुआत किसने किया, चलो देख लेते हैं किसने किया. ये शुरुआत किसने किया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने ये शुरू किया. तो आंसर क्या हो गया, IOCC. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल हैकाथॉन फोकस्ड ऑन द यूज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी फॉर पुलिस एप्लीकेशंस. पुलिस अनुप्रयोगों के लिए 5G तकनीक के उपयोग पर केंद्रित राष्ट्रीय हैकाथॉन का नाम बताइए. देखो हैकाथॉन क्या होता है, इट इज अ सर्च ऑफ समथिंग, सर्च ऑफ इनोवेटिव आइडियाज. तो जब हम एक हैकाथॉन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वी आर लाइक व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर इनोवेटिव आइडियाज, दैट इज हैकाथॉन. ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू, गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस 5G टेक्नोलॉजी फॉर पुलिस एप्लीकेशंस. तो कैसे पुलिस एप्लीकेशंस में 5G टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना है, और आपको पता ही है जो आज का जमाना है टुडे, लाइक वी आर लिविंग इन एरा ऑफ रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, और किस चीज़ में, लाइक एवरीवेयर, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT, हर जगह पर हमें टेक्नोलॉजी में या इंटरनेट की जरूरत है. और जितना टेक्नोलॉजी और जितना इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी. ठीक है, लाइक आपको बताइए, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा सिस्टम है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल एक चार्ज में जितना मैक्सिमम चलेगी, अगर मैं कहता हूँ कि 600 किलोमीटर चलती है, 1000 किलोमीटर चलती है, 2000 किलोमीटर चलती है, तो उतना ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रमोट होगा. आजकल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो जनरल रेंज है, एक बार की चार्जिंग में 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर है. तो बताओ आप खरीदोगे, आप सोचोगे यार सर मेरे को दिल्ली जाना हुआ तो कहाँ रास्ते में चार्ज करूँगा मैं इसको. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल धीरे धीरे आएगा, बट जैसे जैसे हम उसकी बैटरी को अपग्रेड करेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा. तो एक हैकाथॉन इंट्रोड्यूस किया गया है. ये कह रहा है कि बताओ वो हैकाथॉन कौन सा है जो इस चीज पे वर्क कर रहा है. तो भाई उसका जो आंसर है वो क्या है, विमर्श ए, ये उसको कर रहा है. देख लेते हैं, हाँ यस. तो देखो 5G टेक्नोलॉजी पर विमर्श, द कर्टन रेजर इवेंट फॉर विमर्श 2023 अ नेशनल हैकाथॉन फोकस ऑन द यूज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी फॉर पुलिस एप्लीकेशन टुक प्लेस इन दिल्ली. ठीक है, इतना याद रख लेंगे, इतना काफ़ी होगा. वैसे ये कह रहा है कि 3 stages में हुआ. ओके, तो ज़्यादा स्टेजेस तो कुछ बात नहीं है, कह रहा है कि 2 stages वर्चुअली हुई और एक स्टेज में क्या हुआ, आपने फिजिकली उसे पूरा किया. चलो ठीक है, हैकाथॉन, वॉट इज हैकाथॉन, इट इज प्रोब ऑफ समथिंग, प्रोब ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, प्रोब का मतलब सर्च ऑफ इनोवेटिव आइडियाज. ठीक है, नेक्स्ट. इंडियन आर्मी फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट एंड यूटी. देखो अगर आपको अपनी आर्मी पर्सनल्स को कुछ सिखाना, लाइक
आपको पैराशूट सिखाना है, उन्हें पैराशूट कैसे, पैराशूट ओपन करते हैं ऐसा कुछ सिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर लेके जाना पड़ेगा एट अ सर्टेन हाइट, इतने फीट पे आप हेलीकॉप्टर ले गए, फिर आपको उनको हेलीकॉप्टर, आपने पैराशूट दिया, पैराशूट को ओपन करना आपने बता ही दिया था, उन्हें नीचे कुदाया और आपको पैराशूट की ट्रेनिंग आपने उनको दे दी। अब इंडियन आर्मी क्या कर सकती है, इसको क्या कर सकती है, सिमुलेट कर सकती है। जैसे कि आप जाते हैं ना, कभी आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस का कभी आपने टेस्ट दिया हो तो आप देखते हैं कि जब हम ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जाते हैं तो हमें गाड़ी देने से पहले पहले वो हमसे सिमुलेशन या सिमुलेशन मशीन पे हमसे वो चलवा के देखते हैं कि क्या हम सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। उसी तरीके से अब क्या होगा, अब एक हमने ना वर्टिकल विंड टनल बनाई है, आप ऊपर से छोड़ दोगे पर्सोनल्स को, आर्मी पर्सोनल्स को, और वो अपना पैराशूट ओपन करके ऐसे ही सिमुलेशन करके देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, एडवांसमेंट है, कि अब हमें जरूरी नहीं कि हेलीकॉप्टर पे ऊपर जाना पड़ेगा फिर नीचे आना पड़ेगा, नहीं, अब हम ऐसे ही कर लेंगे। अभी हमारे पास एक वर्टिकल विंड टनल है। ये पूछ रहा है कि ये जो वर्टिकल विंड टनल है वो कहाँ बनी है, तो वो कहाँ बनी है भाई, हिमाचल में बनी है। तो देखो ये लिखा हुई है, इंडियन आर्मी इनॉग्रल वर्टिकल विंड टनल हैज बीन इनॉग्रेटेड एट द स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल एट बकलो, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी एक हमने टनल बनाई है, आप ऊपर से कूदो, पैराशूट का ये सिमुलेशन एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी पूरी, ठीक है। ये कह रहा है स्टेट ऑफ आर्ट विंड टनल, स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब क्या होता है, देखो स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी जहां तक ग्रो की है, जब भी आप सुनोगे ना स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट ये, तो उसका मतलब है कि मैक्सिमम अभी तक हम वहीं पे पहुंचे। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि तेजस स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर अभी एयरक्राफ्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। बट जब मैं बोलूं ब्रह्मोस मिसाइल, तो वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब कि अभी वो कहीं और पे नहीं है, मैक्सिमम वही टेक्नोलॉजी है, तो वो दैट इज स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। तो जब भी ये स्टेट ऑफ आर्ट मिलेगा तो हम समझ जाना कि मैक्सिमम डेवलप्ड टेक्नोलॉजी वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ थ्री बेसिन्स समिट, ठीक है, थ्री बेसिन समिट। देखो अब क्वेश्चन ये है कि थ्री बेसिन्स क्या, तो जनरली रिवर की बेसिन्स होती है, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, तो ये रिवर का ना ये बैंक है, तो रिवर का जो किनारा होता है वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिवर बैंक, ये रिवर बैंक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत छोटी छोटी नदियाँ ना, तो दिस एरिया रिवर बैंक। अब यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो पानी लेके इस रिवर में जा रही हैं, तो जहाँ से पानी जाता है इन रिवर में, इन एरियाज को बोलते हैं कैचमेंट एरिया, जहाँ से पानी रिवर कैच कर रही है। जहाँ पर रिवर चलती है, जैसे कि यहाँ पर रिवर चल रही है, इसको बोलते हैं रिवर बेसिन। तो जहाँ पर रिवर फ्लो करती है उस एरियाज को क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन। अभी एक समिट है, थ्री बेसिन समिट, तो जनरली तीन रिवर का जहाँ यहाँ पे बहती है, जैसे कि गंगा हमारे यहाँ बहती है, तो अगर हम होते तो शायद हम भी होते, बट हम नहीं है इसमें, बट थ्री रिवर बेसिन समिट। ये कह रहा है कौन सी कंट्री उसे ऑर्गेनाइज करा रही है, तो भाई वो करा रही है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देख लेते हैं कहाँ पे है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो कैपिटल है वो है ब्राजीविले। ये देखो यहाँ पे ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है ब्राजीविले, ठीक है। कौन कौन सी रिवर की बात चल रही है, अमेजोन तो ब्राज़ील भी जाएगा, कॉन्गो तो कॉन्गो रिवर तो कॉन्गो खुद ही जाएगा, मिकोंग में बहुत सारी कंट्रीज पड़ती हैं साउथ ईस्ट एशिया की, वो जाएंगी। तो इस समिट को, तीन रिवर्स को कैसे बचाया जाए, क्या करना चाहिए, तो उसे बोलते हैं थ्री बेसिन रिपोर्ट, ठीक है। थ्री बेसिन थ्रेट रिपोर्ट विच वॉज रिलीज ड्यूरिंग द समिट हाईलाइटेड द चैलेंज फेस बाय द वर्ल्ड्स रिमेनिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेसिन्स। तो ये एक खास बात क्या है, अमेजन, कॉन्गो या मिकोंग, ये ट्रॉपिकल एरियाज की रिवर्स हैं, और ट्रॉपिकल एरियाज की रिवर्स हैं तो सभी कंट्रीज को अगर एक जैसा ही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, और ये जो ये भी एक तरह का हैकाथॉन ही समझ लो कि कैसे हम इस थ्रेट को बचा सकते हैं, अपनी रिवर्स को बचा सकते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज की रिवर्स हैं तो ट्रॉपिकल एरियाज की प्रॉब्लम भी सेम ही होगी। ये थ्री बेसिन समिट याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP, ठीक है, कॉन्गो में हुआ है, ब्राजीविले में। ओके नेक्स्ट, अरातु फेस्टिवल, ठीक है, एक फेस्टिवल है अरातु फेस्टिवल, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विच वॉज सीन इन द न्यूज इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, खबरों में देखा गया अरातु त्यौहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। तो केरला के तिरुवनंतपुरम में एक फेमस टेम्पल है श्री पद्मस्वामी टेम्पल, वहां पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है।
देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ भाई, इसका आंसर हो गया केरला, ठीक है, इसका आंसर केरला हो गया। फेस्टिवल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे कुछ लोग करते हैं, हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है, लाइक रिचुअलिस्टिक डांस होता है। और आपने मूवी देखी है कंतारा, आपने देखी होगी कंतारा जैसा, यहाँ पे भी देवी देवता बनते हैं, मतलब कौन बनते हैं ये तो नहीं पता, मगर हाँ बनते हैं, ठीक है। अरातू फेस्टिवल कहाँ होता है, श्री पद्म स्वामी टेम्पल कहाँ पर है, केरला में तिरुवनंतपुरम। अरातू फेस्टिवल में खास क्या है, तो देखो ये जो है ना तिरुवनंतपुरम पहले ट्रवनकोर किंगडम में आया करती थी, ट्रवनकोर वॉज एन एंशियंट और मेडिवल किंगडम, आपको पता ही है, तो वहां पर ये किंगडम में आया करती थी। और ये पद्मस्वामी टेम्पल है, आज भी इसके जो कह सकते हैं आप इसके जो जो इसको देखते हैं, जो इसको गवर्न करते हैं, वो आज भी रॉयल फैमिली करती है। तो रॉयल फैमिली यहाँ पे अच्छे से संवर के आती है, कुछ एक नया एक फेस्टिवल शुरू करती है, उसको अरातू फेस्टिवल बोलते हैं। और केरला की ये बात है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, गोमती एंड घाघरा रिवर फ्लो इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है, आपको पता ही है, क्या पता है आपको कि ऊपर से गंगा आ रही है, ये गंगा आ रही है, फिर यहाँ पे बैजनाथ करके उत्तराखंड में एक जगह है, वहां से एक रिवर आ रही है गोमती, और गोमती के किनारे एक बहुत फेमस शहर है लखनऊ, आपको पता है इसका, ठीक है। फिर यहां पर, और कहां से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है, बैजनाथ से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है, ठीक है। एक और रिवर आ रही है घाघरा, ये आ रही है गुरला मानधाता से, गुरला मानधाता जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है। और ये जगह कहाँ है, तिब्बत, तिब्बत से आ रही है। और आगे कहाँ मिल जा रही है, गंगा मिल जा रही है। इसके किनारे एक बहुत फेमस शहर है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी किनारे है, इसकी ट्रिब्यूटरी है सरयू, और सरयू के किनारे एक बहुत फेमस शहर है, उसका नाम क्या है, जो आजकल बहुत न्यूज में है, अयोध्या। अब भाई हमें अयोध्या मिल गया, हमें लखनऊ मिल गया, तो भाई साहब ये पूछ रहा है कि ये दोनों नदियां कहाँ से गुजर रही हैं, तो सबको पता है कहाँ से गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज सेट टू कैरी आउट द एक्सटेंसिव सर्वे टू इवेलुएट द मिनरल रिसोर्सेज, तो ये कह रहा है इनके बेसिन में मिनरल रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए एक सर्वे प्रोसेस शुरू किया है, किसने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023, तो माइग्रेशन क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस, नॉट ट्रैवलिंग, तो परमानेंटली जब या कोई आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो, तो दैट इज माइग्रेशन। और इस माइग्रेशन के लिए रिपोर्ट होती है, एक रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। क्वेश्चन ये है कि ये पूछ रहा है कि ये इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट है, इसको कौन बनाता है, और वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, वीआईपीज होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली इतना ही आता है बस कि किसने रिपोर्ट रिलीज की, तो आंसर होगा ओईसीडी। ओईसीडी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये ओईसीडी क्या इंडिया का मेंबर है, नहीं, इंडिया का मेंबर नहीं है। तो ओईसीडी की रिपोर्ट है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, और ये रिपोर्ट कहती है, इट रिवील दैट इंडियंस हु आर प्रोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन टू ओईसीडी कंट्रीज, जो ओईसीडी कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन जा रहे हैं, इंडियंस जा रहे हैं, और इंडियंस को ही सबसे ज्यादा नागरिकता मिली है। तो इट इज द फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कौन रिलीज करता है, तो इट इज ओईसीडी। नेक्स्ट है, वॉट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऑफ इंडिया, तो पहली इंडिया की जो पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो ये ट्रेन है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो अभी आपको बताया, नरेंद्र मोदी ने थोड़े दिन पहले ही एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, इफ यू नो दैट, ठीक है, और उस ट्रेन का नाम भी उन्हीं के नाम पे था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई ट्रेन का नाम भी उन्हीं के नाम पे है, तो नाम क्या है, नमो भारत। ये ट्रेन चली है स्टेट ऑफ आर्ट, मजेदार। अगर आपको जाना हुआ दिल्ली से मेरठ, तो अभी मेरठ तक तो नहीं चली, मेरठ तक तो अगले साल चलेगी, बट गाजियाबाद तक आ चुकी है, गाजियाबाद से फिर ये मेरठ चलेगी, और कह रहे हैं कि मेरठ से ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक आएगी। तो इफ यू आर अ ट्रैवलर एंड यू वॉन्ट टू ट्रैवल फ्रॉम सहारनपुर टू दिल्ली, इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स और लेस देन 2 आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली में जॉब करते हो एंड यू आर फ्रॉम सहारनपुर, तो यू कैन ईजली गो टू दिल्ली, ठीक है, इतना तो दुनिया में ट्रैवल करना ही पड़ता है। तो ये है वो ट्रेन, इसका नाम क्या है, रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और ये पहली ऐसी है सेमी स्पीड, सेमी मतलब सेमी वो कह सकते हैं हाई स्पीड ट्रेन है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, हाई फ्रिक्वेंसी कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकती है, ठीक है। और आपको पता है सहारनपुर से दिल्ली इतना ही है, 200 अराउंड रहा होगा, 200 के अराउंड, मतलब कि एक घंटे में आप
आप दिल्ली पहुंच जाओगे, बट बीच में स्टॉपेज आते हैं तो इससे ना जल्दी तो नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। बट हाँ ठीक है, कौन सी ट्रेन क्या है? नमो भारत। नेक्स्ट है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023। हरिमऊ शक्ति एक एक्सरसाइज है, किसके साथ हो रही है ये पूछ रहा है, क्या इंडिया मलेशिया, इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यांमार और इंडिया फ्रांस। हरिमऊ शक्ति ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये हरिमऊ शक्ति है बच्चों, ये किसके साथ है? इंडिया एंड मलेशिया के साथ है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, तो ये इंडिया एंड मलेशियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज का पर्पज़ क्या होता है? मैं देखो, अगर आप कभी भी आपका वॉर हुआ तो जरूरी नहीं है कि आप वॉर में ही वॉर लड़ना सीखेंगे, तो पहले आप उस चीज़ को सिमुलेट करते हैं, ठीक है। एक वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक ए टीम होती है, एक बी टीम होती है, ठीक है। तो इस बार ए टीम बी टीम कौन है? इंडिया और मलेशिया। और ये कहाँ हो रहा है? उमरोई कैंट एरिया ऑफ इंडिया में हो रहा है। इंडिया के साइड से कौन जा रहे हैं? द राजपूत रेजिमेंट, ये लोग जा रहे हैं इंडिया की साइड से, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ कॉटन लॉन्च बाय यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री? तो इंडिया ने, इंडिया की टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है उसने, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है? उसने एक अपने कॉटन का एक ब्रांड नेम लॉन्च किया है। देखो, जब आप कॉटन का ब्रांड नेम लॉन्च करते हैं ना, उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा होता है कि आप ब्रांडिंग कर रहे हो। लाइक अगर मैं आपको बोलूं, आपके सामने एक टीवी है सोनी का है, और एक टीवी है जिसका नाम कुछ भी है एक्स वाई जेड, तो ऑब्वियसली ब्रांडिंग किसकी आपने देखी है? सोनी की। तो आप क्या खरीदोगे? सोनी खरीदोगे। तो जब आप किसी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हो और गवर्नमेंट उसका ठेका लेगी, एडवर्टाइज करेगी कि भाई ये देखो ये सबसे बेस्ट कॉटन एंड ऑल, तो आपकी कॉटन के बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये अच्छा एक प्रोडक्ट है। देखो, कॉटन कहीं से भी आएगी, कॉटन ट्राइबल एरिया से आएगी, कॉटन एग्रीकल्चर किसानों से कॉटन आएगी, और उसको अगर ब्रांडिंग की जाए तो कितना मजा आएगा, लोग सब इंजॉय करेंगे। तो कह रहा है कि क्या नाम है? कस्तूरी कॉटन भारत, क्रिया कॉटन भारत, टेक्सो कॉटन भारत या नमो कॉटन भारत? तो भाई आंसर क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत। तो अब क्या कर रही है इंडियन गवर्नमेंट? कस्तूरी कॉटन भारत के नाम से अपना ये कॉटन निकालेगी। नेक्स्ट, विच स्टेट यूटी इनॉग्रेटेड मिशन महिला सारथी? सारथी का मतलब क्या होता है? सारथी, जैसे कि श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, तो एक ये मिशन चलाया गया है मिशन महिला सारथी। वैसे फॉर यू मेरे को लगता है थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये किसी स्टेट का पर्टिकुलर हो गया और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो महिला सारथी मतलब क्या होगा? कुछ बसेस चलाई गई हैं जहां पर ड्राइवर एंड कंडक्टर दोनों महिलाएं होंगी, सारथी होंगी वो, ठीक है। और ये कहां चला गया? उत्तर प्रदेश में। देखो यहां लिखा भी है, अंडर दिस स्कीम 51 बसेज ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विल बी ऑपरेटेड बाई वीमेन ड्राइवर एंड कंडक्टर। तो वीमेन ड्राइवर एंड कंडक्टर ये बस चलाएंगी, ठीक है, और इसे बोलते हैं महिला सारथी। तो वीमेन एम्पावरमेंट में एक ये बड़ा स्टेप है, बड़ा स्टेप ठीक है, नॉर्मल है, जब कामयाब हो जाएगा तो पता लग जाएगा। हाँ ठीक है, वीमेन एम्पावरमेंट में ये एक अच्छा स्टेप है, तो इससे वीमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, अपने टांगों पे खड़े हो सकते हैं आप। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च टू एनहांस द कनेक्शन अमंग द यूथ इंडिविजुअल फ्रॉम डाइवर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया? ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि फ्रॉम डाइवर्स स्टेट ऑफ इंडिया, तो जैसे कि अगर ये इंडिया है, ठीक है, तो ये कह रहा है ये एक यूथ कनेक्शन प्रोग्राम चलाया है कि भाई यूपी का यूथ तमिलनाडु के यूथ से कनेक्ट करे, तमिलनाडु का गुजरात से करे, गुजरात का अरुणाचल से करे, ये यूथ कनेक्शन सेट हो, ठीक है। ये एक पहल है, आपने एक सुना होगा, पहल का नाम क्या है? चलो मैं बता दूंगा पहल का नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो पहल है, ये कह रहा है कि यंग इंडिविजुअल फ्रॉम डाइवर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया आपस में कनेक्शन बनाएं, इसका नाम है युवा संगम। और ये जो स्कीम है, ये युवा संगम है, ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंडर। अगर यूपी का युवा तमिलनाडु जाएगा, तमिलनाडु का युवा गुजरात जाएगा, यूपी जाएगा, यहाँ जाएगा अरुणाचल, तो क्या होगा? वी विल कम टू नो अबाउट अदर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। अदर नॉलेज को भी आप क्या होगा, नॉलेज का एक नॉलेज भी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन टू अनदर। कितना अच्छा है, लाइक आपके लिए कोई एलियन नहीं होगा, मेरे लिए अगर मैं तमिलनाडु जाऊंगा तो दे विल नॉट बी एन एलियन फॉर अस, तो वो भी उनके लिए सेम, मैं भी नहीं होऊंगा एलियन ना। तो अच्छा एक एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना है, नाम क्या है? युवा संगम, ठीक है। लिखा भी है युवा संगम इज अ प्रोग्राम एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहेंसिंग द इंटरपर्सनल कनेक्शन अमंग द यंग इंडिविजुअल हेलिंग फ्रॉम डाइवर्स स्टेट एंड यूटीज। तो दो स्टेट के इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट अमंग अच्छा रिलेशन हो, उसके लिए युवा संगम। और ये जो प्रोग्राम है किसके तहत है? एक भारत
श्रेष्ठ भारत, वेरी गुड, नेक्स्ट, ठीक है, युवा संगम प्रोग्राम. नेक्स्ट, विच कॉमेट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द ओरियोनिड मिट्योर शावर, किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है. तो हैली कॉमेट आपको पता है हर 76 ईयर के बाद आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, बट एक मिट्योर शावर इसकी वजह से देखने को मिलता है. तो ये जो है ओरियोनिड मिट्योर शावर है, ये कौन से कॉमेट से जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ है हैली कॉमेट से जुड़ा हुआ है. हैली कॉमेट इज अबाउट टू ट्रीट स्काई वॉचर्स विद अ स्पेक्टेक्युलर शो ऑफ शूटिंग स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 37 ईयर्स. दीज मिट्योर शावर विल सीम टू एमिनेट फ्रॉम द ओरियन कॉन्स्टिलेशन स्पेसिफिकली जस्ट अबव द रेनाउंड ओरियन बेल्ट कंप्राइज ऑफ 3 ब्राइट स्टार. कॉन्सिक्वेंटली दे आर रेफर्ड टू एज द ओरियोनिड मिट्योर शावर. देखो मिट्योर शावर का मतलब, मिट्योर आपको पता ही है, इफ एनीथिंग, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, उसके आसपास कोई घूम रहा है, तो दैट इज व्हाट इट इज, इट इज मिट्योरॉइड. जब अर्थ के इन्फ्लुएंस, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके वो अंदर आता है तो दैट इज मिट्योर, और जब अर्थ से टकरा जाता है और कुछ बच जाता है तो दैट इज मिट्योराइट. तो बाहर घूमे तो मिट्योरॉइड, अंदर आए तो मिट्योर, और टकराने के बाद कुछ बच जाए तो मिट्योराइट, ठीक है. नेक्स्ट, ओके, तो ऐसा होता है ये कॉमेट ऐसा होता है जिसकी एक टेल होती है, एक हेड होता है. जो हेड होता है और जो टेल होती है, टेल इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि सन से सोलर फ्लेयर्स आती हैं तो वो टेल को ऐसे उड़ाती है पीछे को, तो टेल हमेशा पीछे को होती है. कॉमेट होता क्या है, कॉमेट होता है जैसे कि आप बोल सकते हैं रॉक फ्रैगमेंट्स और डस्ट, आइस क्रिस्टल्स, उससे बना हुआ होता है, ठीक है, कॉमेट. नेक्स्ट, तो देखिए कह रहा है कि नाम धा पा पक्के टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व. नाम धा पा जो एक नेशनल पार्क भी है, पक्के टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व, ये कौन से स्टेट में पड़ता है. तो भेड़िया मूवी सबने देखी है, किसकी भेड़िया मूवी है, भेड़िया मूवी है किसकी, वो वरुण धवन की, ठीक है. तो वरुण धवन की भेड़िया मूवी में वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, तो वो जब रोड बनाते हैं जंगल से, तो अरुणाचल प्रदेश में 84% अराउंड, 84% या मोर देन 80% इतना अराउंड जंगल है वहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज वाइज बहुत जंगल है अरुणाचल प्रदेश में. तो वहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व भी हैं जिसमें नामदा पा पक्के कामलांग, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का आंसर होगा. अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि देखो वहाँ पर एक ना स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बना रहे हैं. आपने सुना होगा CRPF, CISF का काम क्या है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करना. BSF का काम क्या है, बॉर्डर को सेव करना. और टाइगर को सेव करने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था, इसलिए आपको बता दिया, ठीक है. नेक्स्ट, तो देखो ये है ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट. न्यूट्रिनो एक तरह का पार्टिकल होता है. डीप सी का मतलब समुद्र के अंदर. नाम क्या है, ट्राइडेंट. जो न्यूज में था किस कंट्री से रिलेटेड है, तो चाइना ने क्या किया है, साउथ चाइना सी में एक डीप सी ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई है जिसका नाम रखा है ट्राइडेंट. आंसर क्या हो गया, चाइना. घोस्ट पार्टिकल या गॉड पार्टिकल, उसको ढूंढने के लिए, तो हिग्स बोसन करके आपको पता है गॉड पार्टिकल, उसको ढूंढने के लिए उन्होंने, और ये एक हाईली स्पेशलाइज आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट एक क्या होगी, लैब होगी, जो उसने साउथ चाइना में डेवलप की है, साउथ चाइना सी में. नाम चाइना, नाम क्या है, ट्राइडेंट. ओके, तो देखो लिखा हुई है, अ चाइनीज रिसर्च ग्रुप हैज इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनॉर्मस न्यूट्रिनो टेलीस्कोप इन द साउथ चाइना सी कॉल्ड ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ठीक है, ट्राइडेंट, जिसको वो क्या बोलते हैं, हेलिंग ओशन बेल. ओके, क्या ढूंढना चाह रहा है, घोस्ट पार्टिकल ढूंढना चाह रहा है, ठीक है. नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट. हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, तो वाटर जो है वो बड़ा ही ईजिली अवेलेबल है मेरे को, जैसे तुमको ईजिली अवेलेबल है, तो कॉस्ट कैसी है, चीप. और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर. और अगर आपने उसे नहीं बताया बचाया तो हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर पे करना पड़ेगा. और ये रिपोर्ट किसकी है, मतलब समझ आ रहा ना, हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, ये रिपोर्ट किसकी है, WWF की. WWF का जो साइन है वो क्या है, वो है पैंडा, ठीक है. WWF की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. उसने एक रिपोर्ट रिलीज की है, हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, लिखा भी देखो यहां पर.
ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे ठीक है, विच फॉल्स ऑन अक्टूबर 16, एक रिपोर्ट रिलीज किया है वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर ने, नाम क्या है, द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, जिसने बताया है कि 58 ट्रिलियन का रिस्क है हमें, 58 ट्रिलियन का, ग्रोइंग ग्लोबल वाटर क्राइसिस पोजेस अ थ्रेट टू इकोनॉमिक वैल्यू, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, कि पूरी दुनिया में अगर हमने पानी को नहीं बचाया तो पूरी दुनिया में जो फूड सिक्योरिटी है, द फूड यू एंड मी आर गेटिंग, इट इज फूड सिक्योरिटी, वो खतरे में आ जाएगी। और ये इस रिपोर्ट में बोला गया, वाटर का इस रिपोर्ट का नाम क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, एंड हु रिलीज इट, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और उसका जो साइन है वो क्या है, एक पैंडा है, जाइंट पैंडा, ठीक है। नेक्स्ट, अमृतकाल विजन 2047, अमृतकाल विजन, देखो नरेंद्र मोदी ने एक विजन ये शुरू किया है कि 2047 तक हमें डेवलपिंग से डेवलप की कैटेगरी में आना है, तो उसमें नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग विजन्स ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई फिलहाल रिसेंटली उन्होंने किस सेक्टर के लिए ये विजन लिया है, मतलब एक डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं कि 2047 तक हमें ये अचीव करना है, ठीक है। तो अमृतकाल विजन 2047 विच वॉज सीन इन न्यूजीलैंड अनवील्ड एसोसिएटेड विद विच फील्ड, किस फील्ड से, तो भाई फील्ड तो सारी होंगी एक ना एक दिन, नहीं सारी कवर होंगी, क्या पता कोल इंडस्ट्री हो भी गया हो, इस बारी जो फील्ड ली है वो कौन सी ली है, मैरीटाइम इंडस्ट्री, मतलब कि एक तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट किए जा रहे हैं कि 2047 तक क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। तो ओके कोई बात नहीं, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस इंट्रोड्यूस द अमृतकाल विजन 2047 फॉर वॉट, फॉर द मैरीटाइम इंडिया, मतलब वॉट वी वॉन्ट टू अचीव अंटिल 2047, और इट इज अ विजन डॉक्यूमेंट, विजन मतलब वहां तक हमें पहुंचना है। देखो हाउ इंडिया कैन बी डेवलप व्हेन वी चूज आर विजन्स, विजन्स रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स लाइक फ्रॉम कोल, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, हमें कहाँ क्या करना है, तो उसे आजादी का अमृतकाल एंड और अमृतकाल वो विजन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो विजन रिलेटेड टू एवरीथिंग, इवन फॉर एग्रीकल्चर, इवन फॉर बैंकिंग सेक्टर, फॉर एवरीथिंग वी आर टेकिंग विजन, ओके। नेक्स्ट, सेंट बैलेक स्लैब इज अ 4000 ईयर ओल्ड स्लैब, वॉज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री, स्लैब, स्लैब का मतलब आप जानते ही हो, स्लैब का मतलब क्या होता है, स्लैब का मतलब स्लैब होता है, ठीक है, पत्थर का जो स्लैब होता है ना, तो ये कह रहा है कि एक स्लैब मिला है, नाम क्या है, सेंट बैलेक स्लैब, ओके, सेंट बैलेक स्लैब मिला है, ऐसा कुछ स्लैब मिला होगा, ओल्ड स्लैब, कितना पुराना है, 4000 ईयर, तो भाई कम से कम हड़प्पन सिविलाइजेशन के जमाने का हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो एज थी वो कितनी थी, 2500 BC से 1700 BC, ये उसकी मैच्योर फेज था, वैसे तो इससे आगे पीछे भी था, 2500 BC से 1700 BC, और आज चल रहा है 2023, तो भाई इसी एज का है, हड़प्पन एज का, सेंट बैलेक स्लैब, और ये कहाँ मिला है, ये मिला है फ्रांस में, और किस एज का बताया जा रहा है, फ्रांस की, ब्रॉन्ज एज का आंसर क्या है, फ्रांस, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे 2023, तो आयुर्वेदा जिसके फादर माने जाते हैं चरक को, चरक हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आयुर्वेदा एंड ही रॉट चरक संहिता, वैसे धन्वंतरी भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आयुर्वेदा, ठीक है, और आपने पढ़ा सुना होगा इंडिया में एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष, आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है, आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, तो आजकल एलोपैथी हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एलोपैथी पे, बट ये आयुष मिनिस्ट्री, आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, तो ये कह रहा है कि आयुर्वेदा डे मनाया 2023 में, ठीक है, उसकी थीम क्या है, तो भाई उसकी थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, थीम ये है, इसका डेट देख लेते हैं कब मनाया हमने, किस दिन मनाया, इट इज़ टू बी शेड्यूल ऑन 10th November 2023, और इस बार जो हमने थीम ली है उसका नाम क्या है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, अभी बनाया नहीं, बनेगा, ठीक है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ समिट, वर्ल्ड हेल्थ समिट है, समिट है तो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट ये इस बार समिट कहाँ पे हो रहा है, वर्ल्ड हेल्थ समिट, देखो हेल्थ को टाइम टू टाइम बड़े चैलेंजेस आते रहते हैं, अभी बीच में कोरोना चैलेंज आया था,
अभी कुछ और चैलेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो एक समिट हुई है, समिट कहाँ हुई है, बर्लिन, और बर्लिन में हुई है तो कहाँ हुई है, जर्मनी में हुई है, ठीक है, जर्मनी में हुई है। लिखा भी है कि बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओस, ये सब सिविल सोसाइटी होती है, सब मिल रही है बर्लिन में, और एक हेल्थ रिपोर्ट प्रिपेयर करना है वर्ल्ड हेल्थ समिट पर, ठीक है। नेक्स्ट, डेनियल नोबोआ हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो भाई ये बंदा थोड़ा यंग एज का ही है और ये किस कंट्री का प्रेसिडेंट बन गया है। तो अगर आपने साउथ अमेरिका देखा होगा, साउथ अमेरिका कुछ कुछ ऐसा है, इधर को इक्वाडोर है, उसके बराबर में कोलंबिया है, फिर वेनेजुएला है, फ्रेंच गुयाना, ये सब हमने पता है, हमने मैप में देखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि जो ये डेनियल नोबोआ है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, भाई ये बिलोंग करता है किससे, ये बिलोंग करता है इक्वाडोर से। हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द यंगेस्ट एवर लीडर, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बना है, बनता रहे हमें क्या, हमें तो बस एक नाम याद रखना, याद रख लेना, बस इतनी सी बात है। एयरफोर्स जैसे एग्जाम में ज़्यादा काम आता है, हाँ एनडीएमएस के आने के चांसेस बहुत कम है, सीडीएससी में आने के चांसेस बहुत कम है, एफकैट में ये आ सकता है, ठीक है। नाम क्या है, डेनियल नोबोआ। तो ये कह रहा है कि विजिंजम पोर्ट विच वॉज सीन इन न्यूज, ठीक है, तो एक विजिंजम करके पोर्ट है, विजिंजम करके ये पोर्ट है, ये कह रहा है कि न्यूज़ में था, न्यूज़ में क्या था, क्योंकि चाइना से एक शिप चली थी, वो यहाँ पे लैंड की थी, ठीक है, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे लैंड भी कर गई वो शिप, तो ऐसा बहुत कम बारी होता है। तो कह रहा है विजिंजम पोर्ट कहाँ है, तो ये कहाँ है भाई, केरला में, ठीक है, याद कर लेना कहाँ है ये, केरला में। और बाकी की इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं दिखाई दे रहा हूँ, आपको पढ़नी आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, संप्रीति 11th मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड इन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो संप्रीति एक एक्सरसाइज होती है, हर साल होती है, हर बारी होती है, मतलब जब भी होती है वो उसी कंट्री के बीच में होती है, तो आपको उस कंट्री का नाम पता ना। और ऐसे जब भी आप किसी डिफेंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये याद ना हो तो फिर तो गलत बात है भाई, ठीक है। तो संप्रीति 11th जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में हो रही है, तो भाई वो कह रहा है इंडिया और किसके बीच में हो रही है, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रही है, ठीक है। द 11th एडिशन ऑफ बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, और आज तो बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, तो भगवान करे बांग्लादेश हरा दे पाकिस्तान को, ठीक है, हम तो उसी फेवर में हैं। इन द 11th एडिशन ऑफ बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होनी है, और कहाँ होनी है, उमरोई में होनी है। उमरोई जगह कहाँ है, मेघालय में ये जगह है। दिस एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिंगली ऑर्गेनाइज बाई बोथ कंट्री सिग्निफाइज स्ट्रॉन्ग बायलेटरल डिफेंस। देखो बायलेटरल डिफेंस होगी तभी तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम वैसे चाइना के साथ भी करते हैं हैंड इन हैंड, बट कितनी बारी करते हैं, बट हमारे रिलेशन अच्छे नहीं तो हम नहीं करते चाइना के साथ ज़्यादा, जिनसे हमारे रिलेशन हम उनके साथ बार बार करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जापान, हम सबके साथ करते रहते हैं एक्सरसाइज। ओके, एब ओरिजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स। देखो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आउटसाइडर्स ज़्यादा रहते हैं, जो उनके एब ओरिजिनल्स हैं वो कम हो गए हैं, लाइक न्यूजीलैंड भी सेम ही है, न्यूजीलैंड में जो आउटसाइडर्स हैं वो ज़्यादा रह रहे हैं और अब ओरिजिनल्स कम हो गए। तो कभी किसी ज़माने में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा काला पानी की सजा के तौर पे यूज़ करता था इंग्लैंड, तो सारे पढ़े लिखे लोग जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे या किंग के अगेंस्ट बोलते थे उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी आउटसाइडर की संख्या बहुत हो गई है। अब क्वेश्चन ये था कि जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, एब ओरिजिनल्स एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स, जिनको इस नाम से बुलाते हैं, तो लोगों में अब ये हुआ कि यार इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है इनके लिए वहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो क्वेश्चन उठा के ऐसा करते हैं, एक क्या करते हैं, रेफरेंडम करा लेते हैं, क्या इनको राइट देने चाहिए नहीं देने चाहिए। तो 59% लोगों ने अगेंस्ट में है कि इनको कोई राइट ना दो, 41% लोग क्या थे, फेवर में थे। और ये किस कंट्री से जुड़ा हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, जो मैंने बताया है वो यहाँ लिखा हुआ है, आप उसे बाद में पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा, 25th क्वेश्चन है, और नाम क्या है, वर्ल्ड फूड डे। तो ये कह रहा है कि कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन अक्टूबर 16 को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, अक्टूबर 16 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फूड डे एवरी ईयर, इट इज सेलिब्रेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन्वॉल्व्ड इन एलिवेटिंग हंगर एंड इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी। वर्ल्ड फूड डे वॉज सेलिब्रेटेड बाई FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस बार की जो इसकी थीम है वो क्या है, वॉटर इज लाइफ, वॉटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर एफकेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, नाम क्या है, काजिंद 2023। क्वेश्चन ये है कि कहां पे हुई है,
तो काजिन 2023 पहली बात तो पता होना चाहिए, इंडो कजाकिस्तान के बीच हुई है, कहाँ पे हुई है? पिथौरागढ़, अस्ताना, बलाकोल या ओतार? तो ये जो हुई है बच्चों ये ओतार में हुई है, ठीक है? कहाँ पे हुई है? ओतार है, नुतार गांव है कजाकिस्तान में। अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल है, जिसका पहले नाम नूर सुल्तान था, दोबारा से क्या कर दिया गया है? अस्ताना कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री ग्रुपिंग अग्रीड ऑन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कंपनीज डेवलपिंग एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम? तो कुछ कंट्रीज, जैसे ये ग्रुपिंग्स लिखी हुई हैं, इनमें से किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, लाइक यू आर अ कंपनी, ठीक है, और मैं गवर्नमेंट हूं, तो तुम्हें मैंने, तुम तो भाई डेवलप कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है, अब भाई एज अ कंट्री मेरे को, एज अ कंट्री ये तो चाहिए ना मैं तुम्हें रेगुलेट कर लूँ। तो इनको रेगुलेट करने की बात की गई है किनके द्वारा? G7 कंट्रीज के द्वारा, G7 कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, शौर्य दिवस। आपको बताया कि जब हरि सिंह ने, मतलब कश्मीर उसके अंडर था, हरि सिंह, राजा हरि सिंह के अंडर कश्मीर था, तो पहले तो उसने हमारे साथ मिलने को नहीं बोला, फिर पाकिस्तानियों ने इन पे अटैक कर दिया, फिर हरि सिंह भाग के आए और इसने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो इंडियन फोर्सेस, और सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स गई इनको, पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ने के लिए, और उस दिन को हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं एज अ शौर्य दिवस। और कब किया जाता है? ऑन 27 अक्टूबर, उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो टू कॉमरेट व्हाट? टू कॉमरेट व्हाट? बिकॉज टू कॉमरेट व्हेन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स डिड अ स्ट्राइक ओवर द पाकिस्तानी फोर्सेस हु वर इलीगली ऑक्यूपाइड द कश्मीर इन 1947, ठीक है, और ये हमने कब किया था? 27 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ड्वार्फिज्म डे। ड्वार्फिज्म मतलब बोना दिवस। ड्वार्फिज्म का कारण क्या होता है? ड्वार्फिज्म का कारण होता है कि आपकी बोन्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, तो जब आपकी बोन्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती तो आप ड्वार्फ रह जाते हो। तो ये मनाते हैं कब? 25 अक्टूबर, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु इज गोइंग टू अटेंड G7 ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग इन ओसाका, जापान टू रिप्रेजेंट इंडिया? तो ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है ओसाका में, इस बार का ध्यान रखना, इस बार की जो मीटिंग है वो हो रही है हिरोशिमा, जहां पर बॉम्ब डाला था यूएस ने, हिरोशिमा यूएस में हो रही है जहां पे बॉम्ब डाला था। तो जो मेन लीडर्स की मीटिंग होगी वो हिरोशिमा होगी। अभी कौन सी मीटिंग चल रही है? ट्रेड मिनिस्टर्स की। तो भाई ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग में कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी, भाई साहब ये तो VIP आदमी है, कहां जाएंगे नहीं, ठीक है। एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ये नहीं जाएंगे। निर्मला सीतारमन, ये जा सकती थी बट ये नहीं गई। कौन गया? पीयूष गोयल गए। तो चलो ठीक है, इसी के साथ आज की हमारा करंट अफेयर सेशन खत्म होता है। आई होप यू पीपल आर मेकिंग योर नोट्स। नोट्स बहुत जरूरी होते हैं फॉर द रिविजन बिफोर योर एग्जाम। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो यू आर चीटिंग योर सेल्फ, ठीक है। जय हिंद। काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।